हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे आपका यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी करियर टेक पर। आप जो देख रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी निकलने वाली है 2019 में, इसका वैकेंसी आने वाला है जिसकी पद की संख्या है 53,360। जिसकी वैकेंसी अप्रैल महीने से स्टार्ट होने वाली है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस वैकेंसी में कितने कैसे अप्लाई कर पाएंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे इसको आप अपने फ़ोन से ही चेक कर पाएंगे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अंत से आखिर तक इस वीडियो को देखना दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको सब बताऊँगा कि ये जो वैकेंसी है बम्पर वैकेंसी होने वाली है जिसकी ऑनलाइन तारीख जल्द ही जल्द दिल्ली पुलिस घोषित करने वाला है। तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं कि इसकी जो जल्दी ही डेट आने वाली है दोस्तों, इसलिए ये वैकेंसी पहले किस राज्य में आएगी इसके बारे में बता देता हूँ। पहले इस जो वैकेंसी आएगी वो है आएगी उससे पहले ये जो वैकेंसी आएगी मेल और फीमेल के लिए आसाम के लिए आएगी। आसाम के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकेंगे और आसाम के कैंडिडेट के जानते हैं तो आपको जो आसाम के कैंडिडेट के लिए हाइट है वो लगभग होगा 165। यानी अगर मेल की अगर हाइट 165 हो जाएगा तो वो आराम से इसको अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है दोस्तों। तो क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली पुलिस में लगभग आप अनिवार्य हो गया है, ये हो गया। उसके बाद मेल और फीमेल त्रिपुरा के लिए वो ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है। त्रिपुरा के लिए जो वैकेंसी है उसमें त्रिपुरा के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों, त्रिपुरा के लिए आपकी जो वैकेंसी है लगभग आपकी जो वैकेंसी है ये बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि त्रिपुरा में बहुत दिनों से वैकेंसी दिल्ली पुलिस नहीं निकली। तो आपकी जो वैकेंसी है 15,000 में से लगभग 2 या 3 हज़ार ये त्रिपुरा रीजन में आएगा। जबकि इसमें भी हाइट आपको लगभग 165 मेल और 157 फीमेल के लिए इसका हाइट मिलेगा। और इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये करते हैं ये जो वैकेंसी ओपन होगी 53,165 ओपनिंग ये जो पोस्ट है वो इसकी ऑनलाइन, तो जल्द मैं बता रहा हूँ जल्दी से दिल्ली हो जाएगी। जिसमें कि देख पा रहे हैं दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट रिलीज द दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2019 नोटिफिकेशन, द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फुल ऑफ द 133 कॉन्स्टेबल वैकेंसी हु आर लुकिंग द पुलिस एंड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी दिल्ली पुलिस। यानी आपकी जो वैकेंसी जल्दी जल्दी स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत दिनों से 2018 ये वैकेंसी निकलने वाली थी लेकिन कि कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये वैकेंसी नहीं निकल पाई दोस्तों। तो इस वैकेंसी जल्द से जल्द इस वैकेंसी की ऑनलाइन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो गई दोस्तों। इससे आप देख सकेंगे कि कैसे इसकी ऑनलाइन डेट आएगी और इसकी जल्दी से जल्द इसकी घोषणा भी जल्दी से जल्द करने वाली है। तो इसकी जो दिल्ली पुलिस है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो DG हैं अमूल्य पटनायक, ये इन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा कि जो वैकेंसी है जल्दी से जल्दी बढ़ेगी क्योंकि 15,000 वैकेंसी आने वाली है। तो इसीलिए जो मैं पहले जो वैकेंसी आएगी उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि कितनी क्या वैकेंसी आएगी, क्या क्या इसमें सब दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी होगा कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए वो आपके लिए 87 पोस्ट ये दिखा रहा है, 87 पोस्ट कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए फीमेल के लिए। और ये कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 43 पोस्ट और मेल के लिए 87 आप बता रहा हूँ। उसके बाद टोटल पोस्ट पहले जो ओपनिंग होगा 130 पोस्ट आएगी। जो ये जो 130 पोस्ट है केवल ये दिल्ली या दिल्ली के जो इलाके हैं इसके लिए ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। टोटल इसमें जो वैकेंसी होगा 130 होगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो मुझे लगता है एज लिमिट दिख रहा है मैक्सिमम आपकी जो SC ST
एससी और एसटी के लिए हाइट जो लगभग इनको एससी एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी दोस्तों, और ओबीसी के लिए ओबीसी वालों के लिए 3 साल, ओबीसी वालों के 3 साल छूट मिले। जनरल जनरल वालों की जो हाइट है वो हो लगभग होगा, जनरल वाले की जो हाइट वाला लगभग 23 हाइट होने वाला है, और मैक्सिमल एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट का अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होगा वो होगा, फीमेल कैंडिडेट के जो हाइट होगा मैक्सिमम एज लिमिट होगा 18 साल से लेकर 3 साल की। जो भी फीमेल कैंडिडेट है उसको आप इसमें अप्लाई कर जरूर कर सकेंगे। इसके बाद इस क्योंकि ये जो वैकेंसी है आपके लिए, इसके आप अगर आप समय रहे कि 10वीं पास होना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर आप क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी बहुत सारे नियमों को चेंज कर रही है, जिसमें आपको 12वीं पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 12वीं पास नहीं हो तो दिल्ली पुलिस की इस वैकेंसी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसके आपको लगभग 12वीं पास होना जरूरी है, 12वीं अगर पास होंगे तो आप अप्लाई इसके जरूर कर सकेंगे। आपकी जो इसमें आपको लगभग आपकी जो हाइट तो जानते हैं 170 सेंटीमीटर, और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए 65 सेंटीमीटर आप तो ये जानते हैं, लेकिन आपको 12वीं पास जरूर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL, आपके अगर पास DL नहीं है तो जल्दी से DL बना लीजिए, क्योंकि DL भी लगने वाला है। आप ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपको टेस्ट की अगर बात करें तो पहले होगा दोस्तों ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में, रिटन टेस्ट। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, इसमें आपकी 100 मार्किंग होगी, इसमें कि कोई भी माइनस मार्किंग अब नहीं होने वाला है। उसके बाद PET PST होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, इसमें भी आपको लगभग जानते हैं उच्च लंबडिया यानी लंजम हाई जम भी होता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए सैलरी की बात करेंगे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट दिल्ली पुलिस 2019 सैलरी की बात करें तो आपको जो सैलरी होगा बेसिक ग्रैंड पे होगा 5200 से लेकर बेसिक पे होगा यानी ग्रैंड पे होगा 2000 यानी 20,200 रुपये। एप्लीकेशन फीस की अगर दोस्तों बात करें जाए तो ओबीसी वालों के लिए इसका आपको जो फीस लगा वो है 300 रुपये ओबीसी वालों के लिए, और जनरल वालों के लिए भी 300 रुपये, जनरल वालों के लिए भी आपको 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जनरल वालों को 300 रुपये खर्च करेंगे। तो यही था दोस्तों। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या sarkarinaukri.com पे, इसमें आप उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना है, PBSC के पेपर भी इसमें दिए गए हैं, तो आप सब इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है जल्दी जल्द आने वाली है, और आने वाली वैकेंसी के बारे में मैं भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब आपको मैं बताता हूँ, पल पल की जानकारी देता हूँ। तो मेरे इस चैनल का नाम है गवर्नमेंट जॉब पॉइंट, तो इस प्लीज़ दोस्तों ये मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करें तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप फिर से एक वीडियो बनाए, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और सामने जो बेल आइकन का दूसरा इसमें अगर बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो जितने भी सारे नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप इस को आप DL के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर DL नहीं है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई भी कर लेंगे, कि DL अब अनिवार्य होगा दिल्ली पुलिस में। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जी।